जिक्र किया था कि खुदा ताला के वो बंदे जो अल्लाह की राह में इस्तेकामत दिखाते हैं, अल्लाह ताला उन पर बकसरत फरिश्ते नाजिल फरमाता है, वो उन्हें तसल्ली देते हैं, वो गम ना करने की हदायत करते हैं और खौफ से बेनियाज हो जाने का पैगाम देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हम आए तो हैं लेकिन तुम्हें छोड़कर फिर चले जाने के लिए नहीं, बल्कि अब हमेशा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, इस दुनिया में भी और इस दुनिया की जिंदगी के खत्म हो जाने के बाद भी। मैंने मुख्तसरन जिक्र किया था कि ये फरिश्ते मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ किस्म के मुकामात के लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म की खुशखबरियां लेकर आते हैं। तारीफ इस्लाम से साबित है कि ये फरिश्ते कभी तमस्सुल इख्तियार करते हैं और जाहिरी आंखों से भी नजर आने लगते हैं, कभी ये फरिश्ते ख्वाबों में जाहिर होते हैं और ख्वाबों के जरिए जो पैगाम देते हैं वो मिनवान पूरा हो जाता है, कभी ये फरिश्ते दिलों में सकीनत बन के नाजिल होते हैं और यकीन कामिल बनकर दिल में बैठ जाते हैं, और जो दिल में बैठी हुई बात होती है वो लाजिमन मुखालिफाना हालात के बावजूद जरूर पूरी होकर रहती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब जंगे बदर में शरीक हुए तो अल्लाह ताला की अता करदा खुशखबरी के मुताबिक मुसव्वमीन फरिश्ते सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मदद के लिए आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसव्वमीन की ये तफसीर फरमाई कि ये ऐसे फरिश्ते हैं जो मालूम हो जाएंगे, उन पर गोया निशान हैं, कुछ इलामतें हैं उनकी। चुनाचे साहबा बयान करते हैं कि जंगे बदर में जो फरिश्ते देखे गए उनके सर पर सब्ज पगड़ियां थी और एक यूनिफॉर्म थी उनकी,
और तमाम सहाबा ने मुख्तलिफ हालतों में जब उन फरिश्तों को देखा तो उसी तरह सब पौड़ियों के साथ देखा, और जब रिवायतें इकट्ठी हुई तो सब ताज्जुब में पड़ गए। मगर जैसा कि यहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसव्वमीन की तफसीर फरमाई थी, बैन ही वैसा ही मुकद्दर था और वैसा ही हुआ। इसी तरह जंगे उहद में जो फरिश्ते दिखाई दिए उनके सर पर बतौर निशान सुर्ख पगड़ियां थी, और इसमें कुछ गम का पैगाम भी था, क्योंकि जितना दुख सहाबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों की वजह से जंगे उहद में पहुंचा है, वैसा दुख हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी में कभी सहाबा को नहीं पहुंचा। एक गम के बाद दूसरे गम की खबर उनको मिली और वो गमों से निढाल हो गए। बस उस गजवा में फरिश्तों की अलामत में भी एक ऐसा रंग चुना गया जिस रंग में गम और खून और दुख का पहलू शामिल है। ये फरिश्ते इज्तमाई तौर पर भी सहाबा को अपनी मदद करते हुए दिखाई दिए, और इंफिरादी तौर पर ऐसी हालत में भी कि उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। चुनांचे जब हजरत अब्बास कैदी बना के लाए गए तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हजरत अब्बास को कैदी बनाने वाले अबू यूसुफ हैं, और अबू यूसुफ एक छोटे दुबले पतले कमजोर से इंसान थे, और शायद उनकी कुनियत में भी इसी तरफ इशारा था। यूसुफ का मतलब है आसानी, तो ये आसानी का बाप है, हल्का फुल्का आसान सा आदमी है, हर आदमी इससे निपट सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से अबुल यूसुफ को मुखातिब करके फरमाया कि ऐ अबा यूसुफ, तुम तो बहुत कमजोर और हल्के से आदमी हो, और अब्बास बड़े मजबूत और लहीम शहीम और तवाना और बड़े जंगजू इंसान हैं, तुमने उनको किस तरह काबू किया, मुझे सुनाओ। तो अबू यूसुफ ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैंने कहां काबू किया था, ये तो एक आदमी आया था बड़ा मजबूत और ताकतवर, उसने उनको पकड़ा, काबू किया और बांध के मेरे सुपुर्द कर दिया, तब मैं लेके आ गया हूं, मैंने तो नहीं कुछ किया। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि उसकी निशानियां तो बताओ, किस किस्म का आदमी था। उन्हें अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ना मैंने कभी पहले देखा ना बाद में देखा, हां इलामतें उसकी ये थी। तो हुजूर अकरम ने फरमाया, एक मलक करीम ने तुम्हारी मदद की थी, एक मुअज्जज फरिश्ता था जो खुदा ताला ने तुम्हारी मदद के लिए उतारा था। तो वाकयातन फरिश्ते तमस्सुल भी इख्तियार कर लेते हैं, और बज़ाहिर इंसान की शक्ल में नजर आते हैं, जैसा कि हजरत मरियम के मुतल्लिक फरमाया, फतमस्सल लहा बशरन सविया, फरिश्ते ने मरियम के लिए एक नहायत ही खूबसूरत मुतवाजन जिस्म वाले इंसान का रूप धारा और उसका जाहिर हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुख्तलिफ वक्तों में सहाबा ने ऐसे नजारे देखे, क्योंकि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ फरमा थे तो एक अजनबी नौवारिस मजलिस में हाजिर हुआ, अस्सलामु अलैकुम कहा और कुछ सवालात किए और इजाजत लेके चल पड़ा। सहाबा बहुत मुतज्जिब हुए, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ शख्स था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई थकन के आसार नहीं थे, कोई खाक नहीं थी, कोई किसी किस्म की सफर की इलामतें नहीं थी, और साफ सुथरे पाकीजा कपड़े पहने हुए थे। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, अपना खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ताज्जुब को देखकर उनसे पूछा, तुम जानते हो ये कौन था। उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, हमें तो इल्म नहीं। उन्होंने कहा, यह जिब्राइल था जो तुम्हें तालीम देने की खातिर मुझसे सवाल कर रहा था।
चुनाचे बाद सहाबा निकले बाहर और दूर तक गलियों में देखते रहे, लेकिन किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिला। तो सहाबा जो आए एक दफा, फिर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, और सहाबा के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद भी उनकी वलायत का ताल्लुक जारी रहा, इंफिरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, क्योंकि सहाबा बेहद मुनकसर मिजाज थे, खौफ खाते थे कि कहीं उनके ताल्लुक की इतला दूसरे पाकर उनके मुकाम के मुतल्लिक ज्यादा हुस्नज़नी न शुरू कर दें। इसलिए अमूमन सहाबा अपनी वारदात को बयान नहीं किया करते थे, मगर बाज इज्तिमाई तारीखी ऐसे वाकयात भी हैं जिनमें और कई गवाह हुए और वो तारीख इस्लाम में महफूज चले आ रहे हैं। चुनाचे एक मरतबा जंग हो रही थी शिमाली सरहद पर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने में खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते देते अचानक आपने फरमाया, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, और ये बात कहकर फिर दूसरा खुतबा शुरू कर दिया। एक हाजिर मजलिस ने बाद में अर्ज किया कि या अमीर मोमिनीन, ये आपने क्या बात कही। हजरत उमर ने फरमाया कि खुतबा देते देते अचानक मेरे सामने वो मंजर आ गया जहां मुसलमान सारिया जर्नैल के तहत लड़ रहे हैं, उसकी सरदारी में, उसके वो सेपा सलार था, उसकी सरदारी में वो फौज लश्कर कशी कर रही थी। तो आपने फरमाया कि मैंने देखा नजारा और मैंने देखा कि वो पहाड़ से हटे हुए हैं और खतरा था कि दुश्मन उनको घेरे में ले ले, क्योंकि दुश्मन की तादाद अमूमन ज्यादा हुआ करती थी मुसलमान फौजियों से। तो उस खतरे के पेश नजर बेख्तियार मैंने उसको हदायत दी कि या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, ऐसा आ गया, पहाड़ के दामन में आ जाओ, पहाड़ के दामन में आ जाओ। ये बात हुई और खत्म हो गई। कुछ हफ्ते के बाद सारिया की तरफ से एक पैगाम लाने वाला खत लेकर आया और उसमें ये बात दर्ज थी। उसने कहा कि गुज़श्ता जुमे ये अजीब वाकया हुआ कि हम रात भर, यानी जुमेरात की रात और जुमे की दरमियानी रात को रात भर लड़ते लड़ते दिन में दाखिल हुए और लड़ाई जारी रही, और एक ऐसा वक्त आ गया जबकि जुमा हो रहा, जिस जो जुमे का वक्त होता है जोहर की नमाज का, कि उस वक्त हमें खतरा था कि हम दुश्मन से पिसपा हो जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे। अचानक हमें आवाज आई, आपकी आवाज, यानी उमर रजी तला होगी, कि या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, और सारे लश्कर ने यह आवाज सुनी। चुनाचे उन्होंने फौरी तौर पर पहाड़ के दामन का रुख इख्तियार किया और चूंकि पुश्त महफूज हो गई, छोटी फौज के लिए हर सिमत में लड़ना मुश्किल हुआ करता है, कुछ ना कुछ सिमतें उसकी महफूज होनी चाहिए। चुनाचे पुश्त महफूज होते ही वो बजाहिर मकलूब होने वाली फौज अचानक गालिब आ गई और अल्लाह ताला के फजल से वो मारका मुसलमानों के हक में साबित हुआ। तो वही बदर का खुदा बाद का खुदा भी रहा। वो फरिश्ते जिन्होंने यह अहद किया था कि नानो औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, उन्होंने इस दुनिया की जिंदगी में फिर सहाबा का साथ नहीं छोड़ा। यही मजमून बगैर जाहिरी नजारों के या बगैर कुशूफ के या बगैर रोया के भी चलता है, लेकिन इस किस्म के वाकयात, जैसा कि मैंने बयान किया था, इनफिरादी तौर पर बहुत ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन मुझे कामिल यकीन है कि बकसरत ऐसे वाकयात मुसलसल रूनुमा हो रहे होंगे, क्योंकि आज की जो तारीख बन रही है जमात में, हम इस कसरत के साथ जमात में फरिश्तों का नजूल देखते हैं कि यह नामुमकिन है
कि सहाबा के नक्शे कदम पर यहां तो बकसरत नाजिल हो रहे हों और नऊज बिल्ला मिन ज़ालिक सहाबा की जिंदगी में बकसरत नाजिल ना हो रहे हों। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां अहमदियत की तारीख बन रही है, जहां इस किस्म के वाकयात फैले नहीं पड़े, बिखरे नहीं हुए। जिस तरह किसी ने कहा है, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। कोई दुनिया का खिता ऐसा नहीं जहां अहमदियत दाखिल हुई हो और जहां सबात कदम के अजीम शान नमूने अहमदियों ने ना दिखाए हों और फिर अल्लाह ताला के वादे बड़ी शान के साथ पूरे ना हुए हों कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इंडोनेशिया में एक दफा मौली रहमत अली साहेब मुबल्लिग़े अहमदियत, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इस तरह इंडोनेशिया में खिदमत इस्लाम में काटा कि पीछे जवान बीवी बूढ़ी हो गई, उसके काले बाल सफेद हो गए, बच्चे जवान हुए, और हजरत मुस्लिम माऊद फरमाया करते थे कि बच्चे बाज दफा मां के पास हाजिर हो, मां को कहते थे, तंग करता था एक बच्चा खुसूसियत के साथ, एक छोटा सा, वो कहा करता था कि अम्मा लोगों के अब्बा आते हैं, वो चीजें लेके आते हैं, मेरा अब्बा कहां है, कभी नहीं आता वो। और मां इशारा कर दिया करती थी जिस तरफ भी वो इंडोनेशिया समझा करती थी, उसकी आवाज भर आ जाती थी, बोल नहीं सकती थी, कहती हमारा बाप उस तरफ है, वहां से आएगा किसी वक्त। और इस हालत में वो बच्चा जवान हो गया और बचपन में जो बाप की शख्सियत का साया होता है उससे महरूम होकर महरूम रह के जवान हुआ। तो जितनी अजीम शान कुर्बानी को खानदान खुदा की राह में देता है उसी तरह उसी शान के फरिश्ते उस पर नाजिल हुआ करते हैं। बाज दफा ये वो लोग हैं जिनके मुंह की बात खुदा सच्ची कर दिखाता है, ये पहले कहते हैं और फरिश्तों को बाद में इनकी मुताबियत का हुक्म दिया जाता है। चौथे एक दफा मौली रहमत अली साहेब जिस मकान में रहते थे वो सारा मोहल्ला लकड़ी के मकानों का बना हुआ था, एक तरफ उसके ऐसी खौफनाक आग लगी कि वो फैलते फैलते हवा के रुख के मुताबिक मौली साहब के घर की तरफ चल पड़ी और जमात के परेशान हाल मेंबरान वहां पहुंचे और उसकी मिन्नतें की कि मौली साहेब आप इस जगह को छोड़ दें, कम से कम सामान निकाल लें, बाद में इंसान जल्दी से भाग के बाहर जा सकता है, ये बहुत ही खतरनाक आग है जो नहीं छोड़ेगी और हवा का रुख ऐसा है कि लाजमन इसने आपके घर तक पहुंचना ही पहुंचना। मौली साहब ने कहा हरगिज़ सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो उस आका का गुलाम हूं जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया आग हमारी गुलाम बल्कि हमारे गुलामों के भी गुलाम, ये आग मुझे कुछ नहीं कह सकती। बहुत बड़ा दावा था लेकिन एक बहुत बड़े मोमिन की जुबान का दावा था, एक ऐसे मोमिन की जुबान का दावा था जिसके मुतालिक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुशखबरी थी रुबा शसाख बरा लो अक्समा, खबरदार ऐसे भी खुदा के दरवेश बंदे हैं जिनके परागंदा बाल होते हैं, खाक आलूद होते हैं, मगर अगर वो खुदा पर कसम खा जाए तो खुदा जरूर उनकी कसम को पूरा करता है। चुनाचे ये इंडोनेशिया की तारीख का एक दर्शनदा वाक्या है। आग बढ़ती रही, सारे मकान जला दिए और जब इनके मकान को उसके शोले छूने लगे तो अचानक इतनी मूसलाधार बारिश बरसी कि एक जर्रा भी इस मकान का नुकसान नहीं कर सकी। आग देखते देखते वो शोले भस्म हो गए, कुछ दूसरों को भस्म करने के लिए आग होती है, वो आप भस्म हो गई अल्लाह ताला की रहमत के पानी के नतीजे। तो ये भी फरिश्तों का नुज़ूल हमने देखा जो जिलों में दाखिल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और ऐसा सबात खत्म अता करते हैं कि फिर गोया फरिश्ता वो हो जाता है जो बात करने वाला है और फरिश्ते उसकी मुताबियत करते हैं और अल्लाह की तकदीर उन्हें पाबंद कर देती है कि मेरे इन बंदों के कौल को सच्चा करके दिखाना। ऐसे बहुत से वाकयात हैं। मैंने एक चंद साल पहले
ऐसे वाकयात इकट्ठे करने शुरू किए और बड़े अजीम शान और बड़े दिलचस्प वाकयात हैं। बहुत कीमती सरमाया है अहमदी तारीख का। आज उनमें से दो वाकयात आपके सामने रखता हूं। एक अहमदी खातून थी किसी गांव में किसी मुल्क में, उनके तीन या चार बच्चे थे मुख्तलिफ उम्रों के, तकरीबन जवान थे। गांव पर हमला हुआ और उस गांव में वो अकेला घर था, लेकिन थे इस किस्म के लोग जिनके बड़े एहसानात थे गांव वालों पर, मुअज्ज़ज़ और करीम शुमार होते थे। चुनाचे गांव वालों की नजरें उनके सामने नीची थी, उनसे तो उनको कोई खतरा नहीं था, उनकी शराफत उनके इर्द गिर्द पहरा दे रही थी। लेकिन जब बाहर का हमला हुआ और एक जत्था आया तो उस वक्त गांव वालों ने अपनी पनाह पीछे खींच ली। उन्होंने कहा कि अब हमें ताकत नहीं है, इसलिए तुम जिस तरफ जाना चाहती हो बच्चों को लेकर पनाह ढूंढो और यहां से निकलने की कोशिश करो। मां ने कहा कैसा फरार, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे खलीफा की आवाज मुझे पहुंची है, खुदा के खलीफा की आवाज मेरे कानों तक पहुंची है कि अपने घरों में बैठे रहो और नहीं जाना यहां, इसलिए तुम बच्चों का क्या कहते हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो कुछ है इस राह में कुर्बान हो जाए, मैं करूंगी नहीं यहां। और उसने एक अजीब हरकत की, जिस दिन हमले का खतरा था यानी इत्तला थी कि अब वो जत्था आके हमला करेगा, उस सुबह वो उठी और अपने बच्चों को बेहतरीन कपड़े पहनाए जो ईद वगैरह के मौके पर या शादी ब्याह के मौके पर पहनाए जाते हैं। फिर उसने सेवियां पकाई जो देहात में अमूमन ईद के मौके पर पकाई जाती हैं, और बच्चों को खूब सजा बनाकर खूब अच्छी खुराक देकर उसने कहा कि देखो बच्चों, हमला होने वाला है, तुम चार जवान हो मेरे, तुम में से एक भी अगर जिंदा पीठ दिखाकर वापस आया तो मैं उसको कभी अपना दूध नहीं बख्शूंगा। जिस तरह मैंने तुम्हारी ईद बनाई है तुम मेरी ईद बनाना, और खुदा की राह में जाने देना हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी छातियों पर वार खाते हुए, पीठ पर नहीं। इस तरह उसने अपने चारों जवान बेटे खुदा के हजूर पेश कर दिए। लेकिन ततनज़्ज़लो अलैहिमुल मलाइका का वादा इस शान से उसके हक में पूरा हुआ कि वो गांव के करीब आकर मुख्तलिफ देहात का जत्था एक ऐसी अफवाह के नतीजे में लौट गया कि जिसकी कोई भी हकीकत नहीं थी। उनको यह खबर पहुंची कि यहां जो अहमदी खानदान है उसके बहुत से साथी भी हैं और बहुत हथियारबंद हैं और बड़े बड़े खतरनाक हथियार इनके पास इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इनके चार मारे जाएंगे तुम्हारे 100-150 मारे जाएंगे। अब अगर तुम ये देखकर हमला करना चाहते हो तो करो। लेकिन वो वापस लौट गए। बड़े बहादुर लोग हैं वो लड़ने वाले, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं ये उनके दिल का खौफ नहीं था, ये अल्लाह ताला के फरिश्ते थे जो उनकी बागें मोड़ रहे थे। जब खुदा के फरिश्ते किसी कौम की बागें मोड़ दिया करते हैं तो उनको इस्तताअत नहीं होती उस रुख पर चलने की। एक कस्बे में एक अहमदी खातून थी बेवा और अकेली, उनका बच्चा भी कोई नहीं था। इर्द गिर्द जब मकान जलने शुरू हुए लूटने शुरू हुए अहमदियों के, तो उनके दिल में बड़ी हसरत पैदा हुई। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ रुख नहीं कर रहा है, कहीं मेरा ईमान तो कमजोर नहीं कि खुदा मुझे आजमाइश में नहीं डाल रहा। ऐसी बेकरार हुई कि बाहर निकलकर चौक में वावेला शुरू कर दिया कि ओ जालिमों, तुमने मेरे ईमान में क्या कमजोरी देखी है जो मुझे नहीं लूट रहे। मैं भी अहमदी हूं, खुदा की कसम मैं अहमदी हूं, मैं सत्ता समझती हूं इसे मामले में, इसलिए बाकियों के घर लूट के उनके दिल ठंडे कर रहे हो, मेरा घर भी लूटो। इस संजीदगी के साथ इस खुलूस के साथ उसके दिल की ये चीख निकली कि चंद दिन के बाद हमला हुआ
और सारा मकान और सामान सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर दिया गया, खिड़कियां तोड़ दी गई, शीशे दरवाजे सब जलाकर खाक कर दिया गया और तकरीबन घर मलबे में तब्दील हो गया। उस औरत की जान बचाई। मुख्तलिफ किस्म के हमले होते हैं, बाज़ दफा इंसानी शराफत एक हद से आगे नहीं जाती, यानी इंसानी जुल्म एक हद से आगे नहीं बढ़ता। चुनाचे उन लोगों ने इस बुढ़िया के ऊपर हमला नहीं किया। इस वाकया की कुछ देर के बाद वो बड़ी खुश थी, बड़ी मुतमईन थी। उसने बल्कि ये भी उसके मुतालिक आता है कि वो इतना उसने खुशी का इजहार किया कि पूछने वाले ने कहा कि बीबी तू पागल हो गई है। उसने कहा पागल नहीं हुई, मैंने देखा है मेरा फलां रिश्तेदार था वो फलां खान में लूटा गया था और छोटा सा थड़ा होता था, छोटी सा उसका कारोबार था, अब वो लखपति है। तो मैंने तो इस खुदा के फजल नाजिल होते देखे हैं, मैं इसलिए खुश हो रही हूं कि मुझ पर भी खुदा का कोई फजल होने वाला है। उसका एक गुमशुदा बेटा था जो कई साल से कहीं जा चुका था और लापता था। इस वाकया के थोड़ी देर के बाद वो गुमशुदा बेटा इस हालत में आया कि उसने बाहर बहुत दुनिया कमाई हुई थी। अव्वल तो मां के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका बेटा ही होती है जो गुम चुका हो चुका हो, लेकिन इसी दौलत पर खुदा ने इक्तफा नहीं की। उसने आके मकान को देखा, उसने कहा अम्मा मैं तो ये सोच के आया था कि तेरा पुराना मकान ढा के अपनी मां को नया मकान बना के दूंगा और अपने दिल की तमन्नाएं पूरी करूंगा। अल्लाह का कितना एहसान है कि मुझे खर्च नहीं करना पड़ा इस मकान को बर्बाद करने पर, दुश्मनों ने खुद कर दिया। अब कम पैसा लगेगा मेरा इसको डिमोलिश करने पर, इसको खत्म करने पर, उखेड़ने पर। और फिर अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, उस जगह उसको प्यारा और अच्छा घर उसको बना के दिया। इस कसरत के साथ ये वाकयात हैं, महफूज भी और गैर महफूज भी। कुछ इज्तमाही शक्ल में मुसवदात में पड़े हुए हैं, कुछ बेशुमार जमातों में फैले पड़े हैं। इन वाकयात के बयान का मकसूद ये है कि जमात के पास ये अमानत है और खतरा है कि अगर इस अमानत की आज हिफाजत ना की गई तो ये जाया हो जाएगी। ये आपकी औलादों की अमानत है, आपके मुस्तकबिल की अमानत है और इन कुर्बानी करने वालों की अमानत है जिनका नाम जिंदा रखना हमारा फर्ज है। जिंदा कौमें अपने खुदा की राह में शहीद होने वालों को कभी नहीं मरने दिया करती, खुदा की राह में कुर्बानी करने वालों की याद हमेशा जिंदा रखा करती है ताकि कयामत तक आइंदा आने वाली नस्लें उनको दुआएं देती रहें। इसलिए जिस जिस अहमदी के इल्म में इस किस्म के वाकयात हैं वो निजाम के तहत मुअय्यन शहादतों के साथ मरकज सिलसिला को भिजवाने का इंतजाम करें। उसमें सब्र और इस्तेकामत का पहलू भी हो, ऐसे वाकयात चाहिए, और फिर नुज़ूल मलाइका का पहलू भी हो। और कोई एक मुल्क मेरे मुखातब नहीं है, तमाम दुनिया में जहां जहां भी जमात अहमदिया का कयाम है, और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला के फजल से आज जमात अहमदिया पर सूरज गुरूब नहीं होता, तो उन सारे ममालिक के अहमदी मेरे मुखातब हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने बाप दादा से सुना है उसको भी महफूज करें, जो उन्होंने अपनी आंखों से खुद होते देखा है उसको भी महफूज करें, और जहां तक मुमकिन हो शहादात से मुजय्यन करके और जमात के उहदेदारों की तस्दीक के साथ, या जमात अगर कहीं नहीं है तो वो वैसे ही मरकज को इसकी इत्तला दें। और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हासिदीन के शर से उनको महफूज रखे। हासिदीन का शर बाज़ दफा डाक पर भी हसद करता है, और बस चले तो इस किस्म के वाकयात को जहां तक पहुंचना चाहिए उससे पहले ही जला देता है। यानी बस हसद एक अजीब चीज है, वो घर नहीं जला सकता तो खत जला देता बेचारा। इसलिए कोशिश ये करें कि आने जाने वालों के हाथ महफूज तरीक पर भिजवाएं
ताकि ये कीमती सरमाया जाया ना हो जाए, वो यही समझ करें कि हमने भिजवा दिया है और ये पहुंचा ही ना हो। ये वो लोग हैं जिन मुतलिक मैं जैसा कि बयान किया, अल्लाह ताला फरमाता है तो, और मलाइका का ये वादा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे में पूरा होता है, लेकिन एक और पहलू में भी पूरा होता है जो ज्यादा अहम है। तो ये है कि मलाइका जिसके दोस्त हों उनकी वो उनका तज़किया करते हैं, उनका नफ पहले की निस्बत हमेशा और ज्यादा पाक होने लगता है। क्योंकि हो ही नहीं सकता कि गंदे लोगों के साथ मलाइका दोस्ती करके बैठ जाए। ये जो वादा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, इसमें यह भी खुशखबरी है कि इब्तलाओं के दौर से जो कौमें गुजरती हैं उनका तज़किया नफ्स होता है, और ऐसा तज़किया नफ्स होता है कि फिर वो जारी रहता है, कायम रहता है। ऐसे हाल सारे बन जाता है कि जो फिर उसका हाथ नहीं छोड़ा करते। इसका तभी नतीजा निकाला गया है मन वाले हैं, ये चक्की में से गुजर के जाते हैं जिनको फरिश्तों की मायत नसीब हो जाती है। फरिश्ते कहते हैं हम इनके औलिया हैं, फखर फरिश्ते कर रहे हैं ना कि ये लोग। ये भी यदि कलाम है, बड़े आदमी के पास छोटे आदमी आया करते हैं हाजिरों को हिम्मत में कहते हैं कि हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो खुदा के फरिश्ते इन लोगों के पास इस तरह हाजिर होते हैं कि तुम खुदा के नजदीक आज इतने मुअज्जज़ इतने करीब आ चुके हो कि उसने हमें इसलिए तुम्हें तुम्हारे पास भिजवाया कि हम अपनी दोस्ती तुम्हारे हुजूर पेश करें, और तुम वफा पाओगे, तुम हम कभी फिर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसका एक तभी नतीजा यह है कि अमल साले फिर उनका साथ नहीं छोड़ता, उनके बात होती है वो उनका साथ नहीं छोड़ा करती, और जिनकी बात तब्दीलियां उनका साथ छोड़ दें उन पर यह फरिश्ते नहीं हाजिर होते। ये एक लाजिम मलजूम चीज है, इसलिए तलाओं से गुजर के जो कौम वक्ती तौर पर इस्लाह पजीर हो जाए और फिर कुछ देर के बाद फिर उन्हीं बुराइयों में मुलव्वस हो जाए, उनका इतलाफ नहीं होता। क्योंकि जैसा कि जाहिर जाहिरन बयान फरमाया गया है और खुदा की बात झूठ नहीं हो सकती कि इन फरिश्तों का साफ तौर भी नहीं था, ये तो इस किस्म की का पैगाम नहीं लाए थे कि आए और चले गए और जो नेकियां लेके आए थे भी साथ ले गए। बस वो लोग जिनके अमाल साले में दवाम पैदा हो जाता है उन्हीं के हक में यह नाजिल हुई है, ना औलियाकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, और उन्हीं का जिक्र है वमन आसनु कौलम मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहा। अब बताओ इनसे ज्यादा प्यारी बात करने वाला कौन होगा? हमारे साले साबित कर रहे हैं कि ये नेक लोग हैं और खुदा वाले लोग हैं, पहले इब्तलाओं से गुजरे हुए हैं, आजमूदा कार हैं, उनके खतरात को देखा हुआ है, आंखों में आंखें डालकर उनसे गुजरे हुए हैं, उनकी तलखियों को बर्दाश्त किया हुआ है, और फिर उन तलख दरख्तों को जो खुदा की रहमत ने मीठे फल लगाए थे उनसे लज्जत क्या नहीं हो, इसलिए इनसे ज्यादा प्यारी बात करने वाला और कोई नहीं। इसके बाद एक दौर शुरू होता है, वो क्या है वो अगले चंद आयात में बयान किया गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा खुतबे में मैं बयान करूंगा, क्योंकि अब वक्त ज्यादा हो रहा है और एक ही मजलिस में इन आयात के मुख्तलिफ पहलू बयान नहीं किए जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله
मई उदिर हो फलादियला व नशद वल्लाह वाहला श्री कलऊ أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. Thank you.